आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सिनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको 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 स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहले ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानत पेश करने होंगे। वहीं तीसरी शर्त ये है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिली है। इससे पहले 11 जुलाई को सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.